हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंड आज मैं आप लोगों को वेबजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर वेबजी का एग्ज़ाम फरवरी में ही होगा जो डेट निकाला गया है, तो कम टाइम बचा है कहीं ना कहीं। एंड आपको मैक्सिमम एफर्ट डालना पड़ेगा अगर आप लोगों को ज़्यादा पूर चाहिए तो। तो आज मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। ये उस दिन आपको काम आएगा जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे। तो जो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, उन बातों को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आप मिस्टेक होता है ना, तो हो सकता है कि आपके पूरे साल का जो मेहनत होगा ना, वो कुछ ही मिनटों में वो ख़त्म हो जाए। तो ये सब चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो एग्ज़ाम के दिन। आपको एग्ज़ाम के दिन जिन जिन बातों का ध्यान रखना है, उसमें सबसे मोस्ट कॉमन जो बताया जाता है कि एटलीस्ट 30 मिनट पहले ज़रूर आप अपने सेंटर पे चले जाइएगा, जो भी आपका सेंटर हो। क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं कि अगर आप लोग लेट से पहुंचते हो, यू नो, तो दिमाग अनस्टेबल होता है। जब एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेट से जाते हो तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्यों लेट हुआ, ये वो, या लॉक कर दिया जाता है गेट को। तो इस सब चीज़ से बचने के लिए प्लीज़ आप लोग 30 मिनट पहले ही जाने का कोशिश कीजिएगा, जिससे आप उस एनवायरनमेंट में सेटल हो जाओ, स्टेबल हो जाओ अपने दिमाग को, एंड अच्छे से एग्ज़ाम दो बिना किसी डर के। तो प्लीज़ आप लोग 30 मिनट पहले ही चले जाइएगा। और एक बात मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे ऐसे करते हैं कि जो दूर दूर से आते हैं, क्योंकि वेबजी का एग्ज़ाम यू नो बिहार के बहुत सारे बच्चे भरते हैं, या यूपी की, या फिर झारखंड के बहुत सारे बच्चे भरते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक दिन पहले ही आके जो भी आपका सेंटर हो वो विज़िट कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जो एग्ज़ाम के दिन आते हैं, जिनको सुबह में उनका ट्रेन छोड़ता है, फिर वो सेंटर पे जाते हैं। तो वैसे में हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम भी छूट जाए अगर ट्रेन लेट हो जाएगा तो, या कुछ गलती होने के आसरे बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक दिन पहले ही आके हर कुछ सेटल कीजिएगा। थोड़े से पैसे ही लगेंगे रहने में, कोई दिक्कत नहीं है, यू नो, तो क्योंकि आपका मेहनत बेकार ना जाए, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा पहले ही आ जाने का। अच्छा, मेन बातों पे मैं बात करूँगा, चीज़ों पे मैं बात करूँगा, एंड आप पॉज करके उसको देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट मैं मेन बातों आपको बताने वाला हूँ। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर लेके जाना है, तो आप लोग फ़ोटो कॉपी, हार्ड फोटो कॉपी आप लोग ले जाना मत भूलिएगा एडमिट कार्ड का। दूसरा चीज़ जो है, आप लोग को फोटोग्राफ लेके जाना है, जो आपने एप्लीकेशन जब आपने भरा था उस टाइम में जो अपलोड करा था, वो फोटोग्राफ आप लोग को लेके जाना है। तीसरा, कोई एक आइडेंटिटी कार्ड आप लोगों को ले जाना है, चाहे आधार कार्ड हो, या पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी कार्ड हो, कोई एक लेके ज़रूर जाइएगा। बहुत सारे बच्चे लेके नहीं जाते हैं आइडेंटिटी कार्ड, एंड ऐसा नहीं है कि अगर नहीं लेके जाते हैं तो एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाता है, लेकिन कोई ऐसा भी सेंटर होगा जहाँ के टीचर यू नो बहुत ही स्ट्रिक्ट होंगे, खरूस होंगे, एंड आपसे कह सकते हैं कि आपने क्यों नहीं लाया, थोड़ा सा डराया धमकाया जाता है। एंड अगर आपकी 10 मिनट भी इसके चक्कर में वेस्ट होते हैं, या 15 मिनट आपका वेस्ट होता है, तो समझिए ये आपके मेन जो टाइम मिला है जितने आवर का, उसमें 15 मिनट आपका किल होना बहुत ही आपके लिए घाटे का सौदा है। तो आप लोग एटलीस्ट जरूर लेके जाइएगा, ऐसा नहीं कि भूल गए या अनकेयरलेस मत रहिएगा, प्रूफ लेके ही लेके जाइएगा। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि कोई भी ऐसा प्रोहिबिटेड चीज़ मत लेके जाइएगा जो कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर अलाउड नहीं है। उसके लिए आपका जब भी तलाशी होगा, जब भी यू नो चेक जब होता है, तो कुछ भी ऐसा मत लेके जाइएगा जो आपके लिए ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, इस बातों का ध्यान रखिएगा।
अच्छा, कुछ बातें हैं जो 8 नंबर पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, जो क्या क्या नहीं लेके जाना है या क्या क्या अलाउड नहीं है। तो आप कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, प्रिंटेड मटेरियल लेके नहीं जाना है, पेन लेके नहीं जाना है, लॉग टेबल, रिस्ट वॉच या एनी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल, तो ये सब मत लेके जाइएगा, क्योंकि इससे आपका ही प्रॉब्लम बढ़ेगा। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे हैं तो मत ही कुछ ले जाइएगा, अगर आपकी तैयारी नहीं भी है फिर भी आप कुछ मत लेके जाइएगा। यार एग्ज़ाम देने गए हैं, एक्सपीरियंस लीजिए कि क्वेश्चन कैसा आता है। अगर इस साल नहीं हो रहा है, अगर आप इस साल 12th में और फिर दे रहे हो, नहीं हो रहा है, एक साल और आप लो, चांस लो। लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लाइफ पे इफ़ेक्ट करेगा, उस चीज़ों को मत करो जिससे आपका सेल्फ रेपुटेशन भी ख़राब हो। तो जो चीज़ें नहीं लेके जाना है वो चीज़ आप लोग मत लेके जाइएगा। अच्छा, अब एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा गलती होता है तो आपके जो एक साल का जो मेहनत है वो सारा बेकार हो सकता है, अगर कुछ भी थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है। तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो भी OMR सीट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, चाहे रोल नंबर हो या बुकलेट नंबर हो या नाम हो, जो भी हो, वो बहुत ही ध्यान से भरिएगा। ऐसा ना हो कि आप रोल नंबर ही गलती लिख दिए, ऐसे में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी बात है, यहाँ पे आप लोग एक 9 नंबर पे आप लोग पढ़िएगा पॉज करके, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका OMR नंबर एंड क्वेश्चन का बुकलेट नंबर सेम है या नहीं, वो ज़रूर देख लीजिएगा जब भी आपको मिले क्वेश्चन। तो क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, तो अगर सेम नहीं हो तो डायरेक्ट इन्विजिलेटर से बात करें एंड इनके बारे में आपको बताएं, तो आपको इसका सॉल्यूशन दे देगा। लेकिन अगर लेट होगा तो हो सकता है कि आपको दिक्कत हो, तो इस बात का आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और कि जितनी भी चाहे रोल नंबर है या चाहे फोटोग्राफ है या स्पेलिंग आपके नाम का, ये सब चीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा अटेंडेंस सीट में और आपके एडमिट कार्ड में सेम है या नहीं, तो इन सब बातों को ज़रूर ध्यान रखिएगा। एंड और भी चीज़ें हैं जो कि मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगा बताना, पॉज करके देख लीजिएगा क्या क्या है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता दिया। एंड इन सब बातों को एग्ज़ाम के दिन भी ज़रूर आप देख लीजिएगा, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो या कभी भी आप देख रहे हो, बट एग्ज़ाम के दिन ज़रूर देख लीजिएगा कि ये चीज़ आप लोगों को करना है। चाहे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, इन बातों को ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। एंड एक बात और मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, चाहे काउंसलिंग या कॉलेज से रिलेटेड या कोई भी, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।